भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है, जिसमें उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्य भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुए जैसे प्रमुख नेताओं के नाम शामिल है। बावनकुए को कामठी निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारा गया है, जो राज्य के महत्वपूर्ण चुनाव के लिए तैयारियों के दौरान उनके नेतृत्व में पार्टी के भरोसे का संकेत है। कामठी से टिकट मिलने पर बावनकुए ने पार्टी हाईकमान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे यह जिम्मेदारी देने के लिए मैं हाईकमान का शुक्रिया अदा करता हूं। हम कड़ी मेहनत करेंगे और यह सीट जीतेंगे। उनकी उम्मीदवारी को भाजपा की रणनीति में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि पार्टी का लक्ष्य महाराष्ट्र में अपनी गढ़ को मजबूत करना है और महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्रों को सुरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करना है। आपको बता दें कि 2019 में कामठी से मौका नहीं मिलने वाले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुए का नाम 2024 के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की सूची में सबसे ऊपर आया है। इसे बावनकुए के संयम का कारण बताया जा रहा है। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और महाराष्ट्र में बीजेपी ने जो है पहली सूची जारी की है, उसमें 99 उम्मीदवार जाहिर हुए, उसमें कामठी से आपका नाम जाहिर हुआ है, क्या बताओगे सर? के देखिए, मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय अमित भाई, माननीय नड्डा जी, हमारे नितिन गडकरी जी, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, इनका सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर जवाबदारी दी है। निश्चित रूप से महाराष्ट्र में जो हमारी सरकार बनेगी, सरकार महायुति की बनेगी और हम 14 करोड़ जनता के विकास के लिए काम करेंगे। कामठी विधानसभा में जो हमारे जनता है, हमारे कार्यकर्ता है, निश्चित रूप से मुझे विजय दिलाएंगे, ये मुझे विश्वास है। आपने पहले भी इस राज्य में मंत्री के तौर पर काम किया है और अब जो है कामठी में अब विधायक के तौर पर जो है आपको अनुभव है कामठी का, तो क्या बताओगे, क्या विजन रहेगा? और 19 में उम्मीदवारी नहीं मिली थी, क्या बताओगे, तब कार्यकर्ताओं में कहीं नाराजगी थी, आज कैसा पल? देखिए, जब जब जो जवाबदारी पार्टी देती है वो जवाबदारी पूरी करना पड़ती है। आज टिकट दिया, ये भी जवाबदारी पूरी करेंगे। पिछले बार संगठन की जवाबदारी मिली, वो भी पूरी की है। और रह गई विकास की बात, तो हम कामठी विधानसभा में जो हमारे मतदार है, जो जनता है, इनसे मेरे हार्ट टू हार्ट यानी मैन टू मैन हमारे रिलेशन है, निश्चित रूप से जनता साथ देगी। तो ये थे चंद्रशेखर बावनकुले, इन्होंने जो है इन्हें उम्मीदवारी जाहिर हुई है कामठी विधानसभा क्षेत्र से। इससे पहले भी उन्होंने मंत्री पद के तौर पर मंत्री का पद संभाला है और इस बार जो है विधायक के तौर पर उन्हें कामठी एरिया का भी अनुभव है और ये उम्मीदवारी जाहिर होने के बाद उनके चेहरे पर अलग ही खुशी और कार्यकर्ताओं में एक अलग नई उम्मीद दिखाई दी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।